अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने सेटल किया 3872 करोड़ रुपए लोन, मिला कर्ज मुक्त कंपनी का दर्जा। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने मंगलवार को बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जीरो डेट का दर्जा मिला है। कंपनी ने VIPL के गारंटर के तौर पर अपनी पूरी गारंटी जिम्मेदारियों का सेटलमेंट कर दिया है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए अच्छी खबर आई है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि उसने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड VIPL के गारंटर के तौर अपनी पूरी गारंटी जिम्मेदारियों का निपटान कर दिया है। रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि इस सेटलमेंट के बाद विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड VIPL के कुल बकाया 3872.04 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़े कॉर्पोरेट गारंटी, अंडरटेकिंग, सभी तरह के ऑब्लिगेशन और क्लेम से रिलीज और डिस्चार्ज कर दिया गया है। रिलायंस पावर लिमिटेड ने CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सभी विवादों का निपटारा कर लिया है। रिलायंस पावर की कॉर्पोरेट गारंटी को डिस्चार्ज करने के बदले विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के 100% शेयर CFM के पास गिरवी रखे गए हैं। रिलायंस पावर के लिए सबसे बड़ी सफलता कर्ज मुक्त कंपनी जीरो डेट का दर्जा मिलना है। कंपनी के ऊपर अब बैंक और इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई बकाया नहीं है। बता दें 30 जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस पावर के नेटवर्क 11,155 करोड़ रुपए था। रिलायंस पावर लिमिटेड अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी कोयले और पावर जनरेशन सेक्टर की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 5,300 मेगावाट के कोयला, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। BSE में रिलायंस पावर के शेयरों का भाव 1% की तेजी के साथ मंगलवार को 31.41 रुपए के स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ है। कंपनी का इंट्राडे हाई 31.88 रुपए है। कंपनी का 52 वीक हाई 38.07 रुपए और 52 वीक लो लेवल 15.53 रुपए है। पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयरों की कीमतों में 64% की तेजी देखने को मिली है। इस महीने कंपनी को मिला है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। रिलायंस पावर ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI से ई रिवर्स ऑक्शन के जरिए 500 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज का काम मिला है। इस ऑक्शन 11 सितंबर को